हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर वाल्व टाइमिंग डायग्राम। देखिए, वाल्व्स होते हैं हमारे पास इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। अगर आपको फोर स्ट्रोक इंजन की वर्किंग नहीं पता है, ठीक है, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आपको लिंक दे रहा हूं, वहां पर आप क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे वापिस आ सकते हैं, क्योंकि उसकी वर्किंग के बिना ये समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक जल्दी से बता दूं आप में इसमें क्या होता है। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं, यहां पे दो वॉल्व्स होते हैं, इसको कहते हैं इनलेट वॉल्व, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व। जब सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा कि पिस्टन नीचे जाएगा और इनलेट वॉल्व ओपन होगा, और उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में फिर ऊपर जाता है पिस्टन, पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो इनलेट वॉल्व बंद हो जाएगा और कंप्रेशन होगी। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने उसमें वर्किंग में समझाया हुआ है, इसलिए थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं। और तीसरे स्ट्रोक में क्या होगा, पावर स्ट्रोक में ये फिर से पिस्टन नीचे की ओर आएगा, उस टाइम ये वाल्व और ये वाल्व दोनों बंद होते हैं। इसके बाद वहां पे पावर स्ट्रोक होने के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जहां पे कोई अंदर जो धुआं ना, ठीक है, जो एग्जॉस्ट बच गया है उसको निकालने के लिए यहां से ये वॉल्व ओपन कर देते हैं, आउटलेट वॉल्व जो है, एग्जॉस्ट वॉल्व जो है वो ओपन कर देते हैं। तो दो तरह के वॉल्व्स हैं ये, इनको ऑपरेट करने के लिए यहां पे कैम शाफ्ट लगी होती है। जो कैम शाफ्ट है यहां पे, जो कैम शाफ्ट लगी होगी, मान लेते हैं कि ये कैम शाफ्ट है, ये लगी हुई है, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये जो जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है क्रैंक शाफ्ट के साथ यहां पे चेन के थ्रू। अब देखिए, क्रैंक शाफ्ट नहीं इसको चलाना है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की स्पीड पे इसकी स्पीड डिपेंड कर रही है। तो वॉल्व जो ओपन होंगे, क्लोज होंगे, वो ये होंगे, ठीक है, इसके थ्रू होंगे, और ये जो चेन है इसको कहते हैं टाइमिंग चेन, ठीक है, वॉल्व टाइमिंग चेन। तो आम भाषा में इसे टाइमिंग कह देते हैं, टाइमिंग चेन बोल देते हैं, तो कोई भी बोल देते हैं, अलग लोकल भाषा में अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, अब इनलेट कब खुले, आउटलेट कब खुले, या इनलेट बंद कैसे हो, तो ये सारा कुछ इस कैम पे, डिजाइन पे डिपेंड करता होता है। तो ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम कुछ इस तरह से होता है कि इसको मैं मान लेता हूं यहां पे टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, जब पिस्टन सबसे ऊपर होता है तब, और नीचे मैं मान लेता हूं यहां पे आता है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, जब पिस्टन बिल्कुल नीचे आ जाता है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में सक्शन स्ट्रोक, तो सक्शन स्ट्रोक में मैंने इसको मान रहा हूं कि ये एक इंजन की तरह है, तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, तो यहां पे ये वाल्व है इनलेट वाल्व, वो ओपन हो जाएगा, तो इनलेट वाल्व ओपन होगा और ये नीचे की ओर पिस्टन जाएगा, ठीक है, पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। जब पिस्टन नीचे की ओर जाएगा तो क्रैंक क्या घूमेगी, क्रैंक 180 डिग्री घूम जाएगी, क्रैंक ये वाली जो क्रैंक शाफ्ट है वो 180 डिग्री जो घूम जाएगी, यहां तक पहुंच जाएगी, देखो इस तरह से, तो ये 180 डिग्री है एक बार में, तो 180 डिग्री एक बार में मूव करती है। तो ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम कुछ देखे, तो इनलेट वॉल्व ओपन होगा और वो ओपन रहेगा जब तक वो बीडीसी तक नहीं पहुंच जाता, पिस्टन जो है बीडीसी तक नहीं पहुंच जाता, 180 डिग्री वो घूम जाएगी क्रैंक शाफ्ट। तो यहां पे होगा इनलेट वॉल्व ओपन रहेगा, इसके थ्रू यहां टीडीसी पे स्टार्ट हो जाएगा, इनलेट वॉल्व ओपन हो जाएगा, और बीडीसी पे आके यहां पे ये इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाएगा, इनलेट वॉल्व जो है क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि पिस्टन दोबारा से ऊपर जाने लगेगा कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है, इनलेट वॉल्व भी बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट वॉल्व जो वो पहले से ही बंद होता है। तो यहां से 180 डिग्री फिर से ऊपर की ओर जाएगा, और 180 डिग्री ऊपर जाने के लिए ये कुछ इस तरह से मूव करेगा कि ये 180 डिग्री यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये 180 डिग्री जो मूव किया है, अब यहां पे क्या हुआ, इनलेट वॉल्व क्लोज हो गया था, तो यहां तक इनलेट वॉल्व जो है वो क्लोज ही रहेगा, क्लोज ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये पिस्टन ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है, पहले क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमी, फिर 180 डिग्री घूमी, तो यहां तक पहुंच गया। अब क्या होगा कि अब पावर स्ट्रोक है, अब पावर स्ट्रोक में क्या होगा, ये फिर से जो है, जो हमारे पास इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों क्या है, क्लोज है, तो यहां से लेके यहां तक फिर से क्या होगा, यहां से लेके यहां तक इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व जो दोनों क्लोज रहेंगे, इनलेट वॉल्व भी क्लोज है और एग्जॉस्ट वॉल्व भी क्लोज रहेगा। और उसके बाद अब ये पावर स्ट्रोक में नीचे आ चुका है पिस्टन, अब इसके बाद क्या होगा, यहां अंदर धुआं हो चुका है, उस धुएं को निकालने के लिए एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन कर देंगे, तो ये यहां से यहां तक
आएगा। और यहां पे स्टार्ट क्या होगा, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट में होगा कि एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और यहां जाके एग्जॉस्ट वॉल्व जो है क्लोज हो जाएगा। इस तरह से जो है वो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बनता है, ये इसको कहते हैं वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। लेकिन ये फिर से वही बात, ये क्या है, थ्योरेटिकल है, ये है थ्योरेटिकल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल, इसका जो दूसरा वर्जन है वो है प्रैक्टिकल, कि ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, ये है थ्योरेटिकल बातें। तो थोड़ी सी चेंजेस है उसमें, कुछ एंगल्स के चेंजेस हैं, वो मैं आपको कराने वाला हूं। नेक्स्ट जो थंबनेल आएगा उस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, अगर इसमें मेरे पास वॉल्व्स हैं, ठीक है, यहां पे वॉल्व्स हैं, तो मेरे पास इतना सा छोटा क्वेश्चन बता दो कि टू स्ट्रोक में वॉल्व्स होते हैं या नहीं होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है उसमें, ठीक है। इतना सा आपका काम है कि कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि टू स्ट्रोक में पेट्रोल, टू स्ट्रोक इंजन जो है उसमें हमारे पास वॉल्व्स होते हैं या कुछ और होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।